तुमको मालूम है हज़रत फातिमा तो जोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में, आपके विशाल का वक्त आया, आपने अपनी एक खादिमा से फरमाया कि पानी गर्म करो, मैं नहाना चाहती हूँ। आपने नहा लिया, नहा के कपड़े पहने और बिस्तर पे लेट गई और फरमा दिया कि अब मैं जा रही हूँ, हज़रत अली आएंगे तो बता देना और मुझको रात के अंधेरे में दफन कर देना, मेरे जनाजे को कोई ना देखे, जल्दी। यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल की बात तो छोड़ दो, उनकी बेटी अपनी दुनिया से रुखसत का वक्त बता रही कि मैं जा रही हूँ अपने आप में, और मेरे को इसके बाद अब गुसल मत देना। मैयत को हम गुसल देते ना, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, उन्होंने खुद अपना गुसल पहले कर लिया, कपड़े पहन लिए कफन और चले गए दुनिया से। मैयत के बाद का गुसल नहीं है उनका, तहकीक कर लेना अगर मैं कहीं गलत भी होते, लेकिन गलत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी तहकीक के बाद ही मैं माइक पे कुछ बोलता हूँ, समझे, मेरा इल्म इतना ही है भाई, इतना इतना, लेकिन कहाँ से अच्छी सोहबत में बैठ जाता हूँ, बुरी सोहबत में भी बैठ जाता हूँ, ताकि वो आदत मेरे में आएगी तो तुम लोग मेरी इज्जत थोड़ी करोगे, अरे नहीं साहब साहब मेरे। और सबसे बड़ी, अगर रिजक में बरकत चाहते हो ना, झूठ बोलना बंद करो। आज मोबाइल ने हमको झूठा बना दिया, कुछ काम में नहीं भी, अब बहुत बिजी हूँ काम में हूँ, कल मिलता हूँ, सीधा बोल दो कल मिलता हूँ, खत्म, शॉर्ट में। ये जो एक दो वर्ड हम एक्स्ट्रा उसमें डालते हैं ना, वो हमको झूठा बनाते हैं। झूठ बोलने वाले कि दुआ भी मकबूल नहीं होती है, रोजी में भी बरकत नहीं होती। पूरी कोशिश करो, सच बोलने से कुछ नहीं होता, सच बोलो क्या होएगा, हमारे रोजी रिजक का ताल्लुक अल्लाह से, कोई हमारा कारोबार नहीं छीन सकता, हमारी जान नहीं ले सकता, कुछ भी नहीं कर सकता।